अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, हूरब का नावल सितमगर का एपिसोड 18 विच इज़ द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस नावल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उसे होश आया तो कशान उसका हाथ पकड़कर सामने ही बैठा था। वो कपड़े बदल चुका था, पहले उसके चेहरे पर फिकर थी, लेकिन जैसे ही उसने ज़ारा को देखा उसका चेहरा सर्द हो गया और आंखों में दहशत थी। ज़ारा होप से काम कर दूर होने लगी थी, उसने हाथ दबाकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। ज़ारा की सिसकी निकली थी, वो होप से बेहोश थी। वो मामा को देखकर बाहर आई थी, मैं बाहर नहीं आना चाहती थी, वो हुश्क होते खलक से बोली। तो काशान ने उसकी कमर जकड़ कर उसे बिल्कुल पास कर लिया। मैं सच कह रही हूँ काशान, मैं आपके साथ कुछ गलत क्यों करूँगी, आप तो इतने अच्छे हैं, वो मासूम बनकर बोली। तो काशान को हंसी आने लगी, लेकिन वो अपनी हंसी दबाता ज़ारा को घूर करते हिला रहा था। काशान, मैं रोने लग जाऊँगी, वो भीगी आंखों से बोली। तो काशान ने कमर और तेज़ी से जकड़ी। एक काम करो, ये चाकू लो और इसे मेरे सीने में मार दो, ताकि एक बार ही मैं तुम्हारी सितमगरी बर्दाश्त कर लूँ। वो चाकू सामने करता बोला। तो ज़ारा ने चाकू एक हाथ से दूर फेंक कर उसकी गर्दन में बाजू हायल कर ली। ऐसे मत कहीं, मैं मर जाऊँगी, मामा तकलीफ़ में थी जिसकी वजह से मैं बाहर आई, उसकी गर्दन में मुँह छुपाती बोली। तो काशान ने उसे खुद से दूर किया और बेड से उठ गया। मुझसे बात मत करना, मैं खुद को कुछ कर लूँगी, अजमान में रह जाऊँगी और दोबारा जॉब करने लग जाऊँगी। ज़ारा रोते रोते बोलकर नाक रगड़ने लगी। तो उसकी हरकत पर वो अब हंसी नहीं दबा पाया था, उसके लब थोड़े से फैल गए। मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो तुम कुछ करोगी, और अगर मेरी नाराजगी की परवाह है तो मुझे अच्छे से मनाने की तैयारी करो। उसके बाल पीछे से हल्के से खींच कर चेहरा ऊपर किए उसकी आंखों में देखकर बोला। उसके अमल पर ज़ारा की रीढ़ की हड्डी में सुनसुनाहट दौड़ गई थी। काशान ने नरमी से बाल छोड़े और दूसरे कमरे की तरफ बढ़ा, जहाँ अजिया बेगम मौजूद थी। अजिया बेगम की बाजू पर पट्टी बंधी थी और गर्दन पर भी एक पट्टी थी। काशान कमरे में आया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपनी बच्ची से अपनी खुशी की खातिर हमेशा नफरत की और उसके बाप को भी मरने के लिए छोड़ दिया। ज़ारा मेरे पहले शोहर से है, मैं क्लब में जॉब करती थी, जब वो आदमी वहाँ आने लगा और मुझे अच्छा लगता था, वो हम दोनों करीब आने लगे थे, वो अच्छा इंसान था, वो भी वहीं जॉब करता था, कुछ दिन में हम काफ़ी क्लोज हो गए तो हमने शादी कर ली। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था लेकिन मुझे बाहर की आज़ादी पसंद थी, उसने मुझे जॉब से मना किया तो रुक गई, लेकिन मैं घर में बोर होने लगी। 2 साल बाद ज़ारा मेरी गोद में आई तो मेरे पाँव में जैसे बेड़ियाँ ही डल गई। अर्जम बाहर रहने लगा था, वो 2 जगह जॉब करता था। मैं एक दिन शॉपिंग करने बाहर निकली तो मुझे सारा के बाबा अफजल मिले, जो उसी क्लब में आते जाते थे, वो मुझे पसंद करते थे, लेकिन मेरी शादी हो गई। मेरी गोद में 3 माह की ज़ारा थी। अर्जम की जॉब की वजह से वो मुझ पर तवज्जो कम देने लगे, तो मैंने अफजल के साथ रابطے बढ़ा लिए, हम क्लब्स में मिलने लगे। एक दिन अर्जम ने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे बहुत मारा और कमरे में बंद कर दिया। सारा रोती रही लेकिन मैंने उसे नहीं उठाया, ज़ारा रोती रही लेकिन मैंने उसे नहीं उठाया, मुझे ज़ारा से नफरत होने लगी थी। फिर एक दिन ऐसे ही अफजल हमारे घर आया तो मैं उसके गले लगकर खूब रोई। अर्जम का खून खोल उठा था, वो मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा तो अफजल ने उसे धक्का दिया, उसका सर सीढ़ी के कॉर्नर से लग गया था, पिछले हिस्से से खून बहने लगा। तो अफजल और मैं घबरा गए। मैं ज़ारा को लेती घर से निकल आई। दो दिन में अफजल के घर छुपी रही, तो तीसरे दिन पता चला अर्जम मर गया है। मैं चुपचाप इद्दत गुजारने लगी तो अफजल भी खामोश हो गए। मेरी इद्दत पूरी हुई तो उसने मुझसे शादी कर ली, वो मुझे हर तरह से आज़ादी देता था, मेरी अपनी दुनिया थी, लेकिन ज़ारा का हर वक्त मेरे साथ चिपकना मुझे गुस्सा दिलाता था। अफजल नशे के आदी थी तो घर में पैसा खत्म होने लगा, उनके रेस्टोरेंट की जॉब से भी घर का खर्चा पूरा नहीं होता था। उनके छोटे भाई जिनकी शादी काफ़ी पहले हुई थी, उनकी दुबई में कई खुफिया फैक्ट्रियां थी, बजल शेख और अदरीस शेख से उनके काफ़ी मामला थे। एक दिन मैंने उनकी बातें सुन ली तो वो मुझे मारने के लिए आ गया, लेकिन मैंने कहा कि मैं उनका साथ दूंगी और फिर मैं अफजल से छुपकर उनके लिए काम करने लगी। ज़ारा की पैदाइश पर ज़ारा सिर्फ 2 साल की थी, मुझे ज़ारा से कुदरती लगाव था, जबकि ज़ारा को देखकर अर्जम याद आता, जो ज़ालिम था, जो मुझसे प्यार नहीं करता था। यूँ वो लड़की मेरी नफरत की आदी होती गई, यानी कि बाप की मौत हुई तो अलाया छोटी ही थी, फिर उसकी माँ भी कार हादसे में मर गई तो गनी ने छोटी उम्र में ही जिम्मेदारी संभाल ली। ज़ारा को मेरे मामलात की खबर थी, मैंने ज़बरदस्ती रिश्ता गनी से करवा दिया था। अफजल नशे की वजह से बीमार रहने लगे तो डॉक्टर ने कैंसर का बता दिया, कुछ अर्से में उनकी मौत हो गई, फिर मैं मुकम्मल आज़ाद हो गई। ज़ारा को मैं अपने साथ रखती थी, वो मेरे जैसी ही थी, जबकि ज़ारा अपने बाप जैसी अच्छी थी। उनकी बातें सुनकर काशान का दिल किया वो उस औरत को गोली से उड़ा दे, लेकिन वो ज़ारा की माँ थी। मैंने ज़ारा को हमेशा तकलीफ दी, रुलाया, मारा पीटा, लेकिन वो आज मुझे तकलीफ में देखकर फौरन बाहर आ गई। मुझे माफ़ कर दो,
जिसे अपना समझा था वही दुश्मन निकला। काशान झटके से उठकर कमरे से निकल गया था और वो रोने लगी थी। काशान कमरे में आया तो ज़ारा परेशान सी सूरत बनाकर दांतों में उंगली दबाए बैठी थी। वो उसे एक नज़र देखता वार्डरोब की तरफ आया। जूही को अजमान में ही दफना दिया गया था। वो परेशान तो था लेकिन वो ज़ारा को मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था। ज़ारा ने अपना इग्नोर होना देखकर मुंह बनाया। आउच, काशान मेरा पाँव दर्द कर रहा है। वो पाँव पकड़े चीखी तो काशान ने हैरत से उसे देखा जो आंखें मीछे दर्द से कराह रही थी लेकिन चेहरे पर मसनूई तासुर भी था। कौन से पाँव में दर्द है? काशान सीने पर हाथ बांधता आगे आया तो ज़ारा ने मजीद दर्द वाला मुंह बनाया। इस पाँव में काशान बहुत दर्द है। आउच काशान, वो रोते हुए बोली तो काशान को मजीद गुस्सा आया। ज़ारा नाटक मत करो, तुम्हारा पाँव बिल्कुल ठीक है, वो मुंह बनाकर बोला तो ज़ारा ने फौरन आंखें खोली जहाँ काशान आंखों में सख्ती भरकर उसे ही घूर रहा था। आप कैसे मानेंगे? फिर मुझे वो तरीका भी बता दी, वो चिढ़कर बोली थी। जाकर सब उल्टे काम करो जिससे मैं तकलीफ महसूस करूँ। काशान, मैंने सॉरी तो किया है और आप ने गनी को मार भी दिया। वो मुंह में मिनमिनाई तो काशान ने उससे घूरा। तो उसे भी तुम बचा लेती, उसकी भी मदद करती थी ताकि काशान असगन को अपनी सितमगरी से अच्छे से नवाज देती। वो झट से उठकर उसके सीने से लग गई। मैं सॉरी कर रही हूँ लेकिन आप मान ही नहीं रहे, अगर मैं रोने लग गई तो बिल्कुल भी चुप नहीं करूँगी। वो सीने से लगकर नाक रगड़ते मासूमियत से कहकर काशान के जज्बात भड़का रही थी। पीछे हटो, जो दिल में आए करो, मैं वैसे भी अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ आउटिंग पर जा रहा हूँ। वो शीशे के आगे खड़े होकर स्प्रे करने लगा। शीशे में से उसे देखा जिसे अभी बेड पर पटका था। ज़ारा जल्दी से उठकर काशान की तरफ आई, माथे पर बल लिए वो सब्ज निगीनों से उसे घूर रही थी। काशान लापरवाह बना, अपने बाल सेट करने लगा। मैं आपको जान से मार दूंगी अगर आप किसी और के पास गए, वो उसकी शर्ट जकड़े गुड़राई तो काशान ने आईब्रो उचकाई। मैंने कल चाकू दिया था तो मार ही नहीं सकी, वो कंधे उचका कर बोला तो ज़ारा को उसकी नाराज़गी से रोना आने लगा। ठीक है जाए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, वो मुंह बनाकर दूसरी तरफ हो गई थी। काशान स्प्रे करता गुनगुनाता हुआ बाहर निकल गया। ज़ारा का चेहरा दुख से सुर्ख हो गया था। वो मामा को सूप पिला रही थी। अजय बेगम सारा को देखने लगी जिसका खिला खिला चेहरा और दुल्हनों वाला हुसन उन्हें सुकून दे रहा था लेकिन वो उनसे बात नहीं कर रही थी। सारा, वो पुकारने लगी तो उसने मामा को देखा जिनकी आंखों में आंसू थे। मामा, आपको ज़ारा पर कभी प्यार नहीं आया, वो इतनी अच्छी है, उसने आपकी खातिर अपनी जान की परवाह नहीं की लेकिन आपने ना उसे बुलाया ना सीने से लगाया। अजिया बेगम फूट फूट कर रो दी थी। मैं उसका सामना भी नहीं कर पा रही हूँ, वो सच में एक अच्छी बेटी है जिसने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए तंग नहीं किया, उसे कहो मुझे माफ़ कर दे। अजिया ने सारा का हाथ पकड़ लिया। परेशान मत हो अजिया, ज़ारा बेटी का दिल बहुत बड़ा है, वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगी। ग्रैंड माँ ने भी अजिया बेगम को हौसला दिया था। सारा उनका मुंह साफ करती बाहर निकल गई थी। वो किचन में बाउल रख कर ज़ारा के कमरे की तरफ भरने लगी थी जब कामिल ने एक झटके से उसे दरवाजे से अंदर खींच कर दरवाज़ा बंद किया और उसे दरवाजे के साथ लगाया। सारा की चीख निकली जो उसने हाथ रख कर रोकी थी, वो उसके करीब था। सारा के मुँह पर उसकी गर्म सांसें अपना तासुर छोड़ने लगी। क्या कर रही हो लड़की, क्यों मेरे जालिम बॉस को जगा रही हो? वो सारा की आंखों में देखते बोला तो सारा की सांस में सांस आया। आपने मुझे डरा दिया था, वो दूर होती सीने पर हाथ रखकर सांस बहाल करने लगी। कामिल ने उसको अजीब नज़रों से देखा जो उसकी गुर्बत में कुछ महसूस नहीं कर रही थी। अजीब लड़की हो, मैं तुम्हारे करीब आया ना तुम्हारा दिल धड़का ना तुम शर्माई, वो हैरत से बोला तो सारा ने नाराज़ नज़रों से उसे घूरा। जैसे आपने मुझे पकड़ा मुझे खींचा, ऐसे इंसान सिर्फ डरता है कुछ फील नहीं करता, वो मुंह बनाकर बोली तो कामिल ने कमर पर दोनों हाथ रखकर उसे घूरा। अब ऐसे क्या देख रही हैं, वो मुंह फुलाई बोली तो कामिल ने उसकी कमर को जकड़कर अपने पास कर लिया। कामिल, वो दांत पीसती बोली थी। कामिल ने उसे सीने से लगाया तो वो सुर्ख पड़ती नज़र चुकाने लगी। अब तो कुछ फील हुआ ना, वो उसकी कान में सरगोशी करता कान पर लब भी रख गया। नहीं मुझे क्या फील होगा, वो लरसती बोलने लगी तो कामिल के अनाबी लब मुस्कुराने लगे। इसका मतलब तुम फीलिंग लेस हो? ओ माय गॉड, मतलब तुम भी फीलिंग का हार्मोन ही नहीं है? कामिल ने बेचारगी भरा मुंह बनाकर सारा को देखा। सारा खुद हैरान थी। ऐसा कुछ नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, वो नज़र चुराती बोली थी। ऐसा ही है, मुझे फीलिंग लेस बीवी मिल गई, ये क्या हो गया? वो बेड पर जाकर बैठ गया था। सारा रोहांसी होती उसकी तरफ आई तो कामिल ने अपनी हंसी छुपाना चाही जो उससे मुश्किल हो गया था। कामिल, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो उसके कंधे पर हाथ रखकर डरते हुए बोली तो कामिल ने अफसोस से उससे देखा। मैं सच कह रहा हूँ, जिनमें फीलिंग्स नहीं होती उसके पार्टनर्स दूसरी शादी कर लेते हैं क्योंकि वो ना अपने हस्बैंड से प्यार करती है ना इजहार करती है। वो मासूम सा मुंह बनाए बोला तो सारा का दिल जैसे हलक में आया।
नहीं कामिल, आप सिर्फ मेरे हैं, मैं आपको कभी दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। मैं फील करती हूँ, अभी जब आपने मुझे यहाँ छुआ तो मेरा दिल धड़का था और हाँ मेरा फेस भी रेड हो गया था, और मैं आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। उसने अपने गाल की तरफ इशारा किया तो कामिल को उसकी मासूमियत पर टूट कर प्यार आया, लेकिन वो उसे मजीद सताना चाहता था। सच में फील हुआ था, कामिल ने उसकी आंखों में झांका तो उसने डरते हुए अस्पताल में सर हिलाया, पर उसकी आंखों में शरारत देखती वो सब समझ गई। हाँ जी, बहुत बहुत बुरा फील हुआ, इतनी बड़ी बड़ी मूछें रखकर मुझे आपसे डर की फीलिंग आती है। अपने नाजुक हाथों से उसके सीने पर थप्पड़ मारती वो शेरनी बनी चीखी तो कामिल भी हैरान हुआ, लेकिन फिर हंसता चला गया। मेरी पागल बीवी को उल्लू बनाना तो बहुत आसान है, वो हंसता हुआ बोला तो सारा को मजीद गुस्सा आया। कामिल आप बहुत बुरे हैं, आई हेट यू, वो उससे मारती रोने लगी तो कामिल ने उसे सीने से लगाया तो वो मजीद रोने लगी थी। मैं इतना डर गई थी, मुझे लगा सच में मुझ में फीलिंग्स नहीं है, वो नाक रगड़ती बोली तो कामिल को उसकी मासूमियत पर टूट कर प्यार आया था। उसका चेहरा हाथों में भरता, वो जगह जगह छूकर उसे बौखलाने लगा, ऐसे कैसे डर सकती हो। उसका माथा चूम कर उसने दोबारा सीने से लगा लिया था। अब मैं अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा लिया करूँगी ताकि आपको भी मजा आए, मुझे लगा सच में कहीं वो अब भी होफ पे थी। कामिल एक बार फिर मुस्कुराया था, देखते हैं कौन फीलिंग्स छुपाता है, क्योंकि मेरा प्यार, मासूमाना प्यार, अच्छों की फीलिंग्स जगा देता है, और किससे मासूमाना प्यार करते हैं बताएं ज़रा मुझे। वो बाजू ऊपर चढ़ाती कामिल पर चढ़ दौड़ी, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी क्यूटी तो सीरियस हो गई। उसकी नाजुक सी थोड़ी चूमता वो उसे सीने में भी छुपाने लगा था। वो डरते डरते ग्रैंड माँ के कमरे में दाखिल हुई जहाँ अजिया बेगम आराम कर रही थी। उनके चेहरे पर पिलाहट नुमाया थी, ज़ारा को अपने आंसू रोकने मुश्किल लगे थे। अजिया बेगम किसी की नज़र महसूस करती उठी तो दरवाजे में ज़ारा थी। वो डर कर मुड़ने लगी कहीं अजिया बेगम उससे नाराज़ ना हो जाए, लेकिन उनके बढ़े हुए हाथ और बहती आँखें उसे कई ज़्यादा हिम्मत दे गई थी। वो दौड़ते हुए उनके सीने से लगी, मामा मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, कोई फरमाइश नहीं करूँगी, लेकिन आप मुझे अपने पास बुला लिया करें, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। वो उनके सीने से लगती शिद्दत से रोने लगी। अजिया ने एक बाजू उसकी गर्द लपेट दिया था, दूसरे पर पट्टी बंधी थी। मुझे माफ़ कर दो ज़ारा, मैं तुमसे नफरत करती रही, एक बिला वजह की नफरत। मैं दुआ करूँगी अल्लाह तुम जैसी बेटी सबको दे, पर मेरी जैसी माँ किसी की ना हो। उसका माथा चूमे बोली तो ज़ारा ने नफ़ी में सर हिलाया और दोबारा उनके गले से जा लगी। आज इतने सालों बाद उन दोनों को एक दूसरे का प्यार नसीब हो गया था। अलाया, वो कमरे में आया तो अलाया ने उसे देखा, वो कुछ दिन से नोट कर रहा था। अलाया उससे रूठी सी है, उसके साथ भी वो उदास क्या चुप रहती है। गनी की मौत का उससे दुख था, लेकिन वो गुनाहगार भी बहुत से लोगों का था। क्या हुआ, गनी की मौत का दुख है, वो उसको कंधों से थाम कर पूछने लगा। वो मेरा भाई था, उसकी मौत का अफसोस तो होगा लेकिन वो गुनहगार भी था। वो नज़रें चुरा कर बोलने लगी, फिर मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं करती, क्या मैंने कुछ कहा है, मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ। उसका चेहरा हाथों में भरकर बेकरार हुआ तो अलाया ने आंसू भरी आंखों से उससे देखा, एहकाम की जान पर बन गई थी। क्यों रो रही हो, बताओ कहाँ दर्द है, उसने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, क्या हुआ है बताओ मुझे। वो उसका चेहरा हाथों से छूता जगह जगह देखने लगा, उसकी बेकरारी लफ्जों से जाहिर हो रही थी, लेकिन वो आंसू बहाती लब दबा कर खड़ी रही। अलाया कुछ बोलो, क्या हुआ है, आई एम प्रेगनेंट, वो रोते रोते बोली तो एहकाम हैरान हुआ, लेकिन फिर खुशी से मुस्कुराता खुद को यकीन दिलाने लगा। अलाया मेरी जान, तुम जानती नहीं हो ये कितनी बड़ी खुशी है, और तुम रो क्यों रही हो। वो उसके माथे को चूमते सीने से लगा गया तो वो शिद्दत से रोई और उसके दिल पर मुक्का मारा। अलाया क्या हुआ, देखो ऐसे रोकर मुझे डराओ मत, बताओ क्या हुआ है, वो उसकी कमर से हिलाए बोलने लगा था। मुझे ये डर है कि कहीं तुम हालात से डर कर दोबारा अपनी जान देने ना चले जाओ और तुम्हारे जाने के बाद मेरी और तुम्हारी औलाद बेआसरा ज़िंदगी गुजारे। कभी नहीं अलाया, वो मेरी ये गलती थी, मैं हालात से डर गया था, मैं अपनी दुनिया को छोड़कर कहाँ जाऊँगा, और मेरी दुनिया तो तुम ही हो। अलाया ने दोबारा उसके सीधे पर मुक्का मारा, मुझे उस दिन लगा मैंने तुम्हें खो दिया, अगर तुम उस दिन वापस ना आते तो सुबह तुम्हें मेरी लाश कमरे में लटकी हुई मिलती। शट अप अलाया, होश में हो, क्या बोल रही हो, मैं खुद मार दूंगा अगर ऐसा सोचा भी तो, तुम पर सिर्फ एहकाम का हक है, तो क्या करती तुम, हालात को खुद पर इतना सवार कर चुके थे क्या तुम्हें मेरा ख्याल आया था, ये है तुम्हारी मोहब्बत। वो चीखी तो एहकाम का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। आज के बाद एहकाम की ज़िंदगी पर तुम्हारा हक है, एहकाम की ज़िंदगी का हर फैसला तुम करोगी, मैं वादा करता हूँ। अलाया का हर हुक्म एहकाम के सर आंखों पर होगा, वो उसका माथा चूमे हाथों को पकड़े बोलता अलाया को खुशी दे गया था। अब मुझे कभी छोड़कर मत जाना, ना ही कभी कोई ऐसा फैसला करना जिससे मैं, एहकाम ने उसे दोबारा सीने से लगाया था, कभी नहीं, तुम्हारा मासूम शरीफ और कुछ समझदार शोहर कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देगा। एहकाम
प्लीज़ ये सपना कहा करो, मुझे यकीन नहीं आता तुम मासूम हो। मासूम तो मैं बहुत हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए, बाकियों के लिए तो एकाम खौफ का नाम है। उसके दोनों गल सहलाकर उसने आंखों पर लब रखे थे जो रोने से सुर्ख हो रही थी। तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है तो कुछ सेलिब्रेशन तो बनती है। वो उसे दहकती निगाहों से देखता झुकने लगा तो अलाया शर्माती भागी थी। रुको लड़की, ऐसे क्यों कर रही हो, भूल गई तुम? वो उसे लिए बेड पर बैठा था, उसे साथ लटाए वो नरमी से उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा था और दिल में अपने रब का शुक्र अदा कर रहा था जिसने उसे इतनी बड़ी खुशी अता कर दी थी। काशान, सारा के पांव पर गहरी चोट लग गई है, वो दर्द से तड़प रही है और तुम्हें बुला रही है। कामिल की कॉल पर उसे गुस्सा आने लगा। झूठ मत बोलो, वो बिल्कुल ठीक है, सुबह ही मैं उसे छोड़कर आया था। काशान का दिल तो धड़का था लेकिन उसे लगा सारा मजाक कर रही होगी। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ? कामिल चिढ़ा था, वो आज गनी के खुफिया अड्डों के हाथमे के लिए आया था। सारा दिन वो अपने आदमियों के साथ मगन था, कुछ आज उसे अपने माँ बाप की याद भी बहुत आ रही थी। वो उनकी कब्र पर आया था, उसके बाद वो बीच पर वक्त गुजारने चला गया था। अब रात हो रही थी लेकिन उसका आज दिल घर जाने को नहीं था, लेकिन उसे ज़रा की भी फिक्र थी। मैं तुम्हें उसके पाँव की तस्वीर भेजूँ, वो रो रही है, मैं आता हूँ, तुम सारा को उसके पास भेजो, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ, उसे कहो फिक्र ना करे, काशान यही है। वो फ़ोन कान से लगाए बेकरार सा बोलता घाड़ी की तरफ भागा था। वो बेकरार सा घर में दाखिल हुआ, जब घर में हुआ अंधेरा उसे हैरान कर गया। ज़ारा, वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाया था, एकदम घर की रोशनियाँ जल गई थी और शोर भी बुलंद हुआ था, सब बर्थडे विश के गीत गाते उसे हैरान कर गए थे। बलून्स और डेकोरेशन देखकर वो मजीद खुश हुआ। सामने वॉल पर हैप्पी बर्थडे काशान लिखा था। उसने बेकरारी से निगाहें इर्द गिर्द डाली जहाँ ज़ारा रेड गाउन पहने, बालों को पुश्त पर फैलाए, मेकअप से सब्स नगीनों को सजाए वो हद दर्जा प्यारी लग रही थी। उसके हाथ पे प्यारा सा केक था। काशान की परेशानी एकदम ख़त्म हुई जब सबको मुस्कुराते हुए देखा। वो आगे आया था, सबने उसे फूल और गिफ्ट्स दिए तो वो अपनी खूबसूरत मुस्कान से सबके गिफ्ट लेने लगा। ज़ारा ने एक नज़र उसे देखा और केक टेबल पर रखा तो वो उसे देखता दीवाना हुआ, जो इतने हसीन रूप में उसका ईमान टकबगा रही थी। वो अपनी जगह ही खड़ी थी। काशान सबसे गिफ्ट लेकर उसकी तरफ आया तो ज़ारा की पलकें लरस गईं। तुम सच में सितमगर हो, तुम्हें पता है ईवल किंग को कैसे काशान बनाकर दीवाना भी बनाना है? उसकी कमर में हाथ डालकर उसने केक काटने के लिए पास किया तो उसकी बेबाकी पर सब ने हूटिंग की थी। कुछ दिन पहले लोग मुझे कह रहे थे कि हनीमून बाद में मना लेना और तुम यही अपना हनीमून शुरू करने लगे हो, कामिल बेशर्मी से बोला था। सारा ने उसके कंधे पर हाथ मारा जबकि काशान ने उसे घूरी से नवाजा। तुम शादी के बाद बहुत बेशर्म हो गए हो, काशान ने सर्द अंदाज में कहा जब कामिल ने उसकी बात हवा में उड़ाई। केक काटे काशान, वो शर्मा कर बोलने लगी। काशान ने छुपकर केक काटा था। ज़ारा को केक खिलाकर उसने लबों पर अपना अंगूठा फेरा तो उसका दिल शिद्दत से धड़का। मुझे सरप्राइज़ बहुत पसंद आया है लेकिन अभी मैं नाराज़ हूँ और मुझे मनाने के लिए तुम्हें मुझे प्रपोज करना होगा। अपनी आंखें उसके सब्ज निगनों में गाड़े वो शिद्दत पसंदी से बोला तो ज़ारा कांपी थी। वो मुस्कुराकर सबको केक खिलाने लगा। सबको एक साथ देखता आज उसे अपनी माँ और अपने बाप की कमी तो महसूस हो रही थी लेकिन उसकी फैमिली अल्लाह पाक ने एक ले ली थी तो दो बहनें सारा और अलाया की सूरत में लौटा भी दी थी। एहकाम को केक खिलाकर उसने गले से लगाया तो एहकाम की आंखों में खुशी से आंसू आ गए थे। तुम आइंदा ऐसी हरकत कभी मत करना वरना तुम्हें मैं क्लब में हमेशा के लिए छोड़ आऊँगा, उसके गाल पर नरम सा पंच मारता वो शिद्दत से काशान के गले लग गया था। काशान ने अलाया के सर पर भी प्यार से हाथ रखा। कामिल को केक खिलाने के लिए वो आगे आया तो कामिल ने जल्दी से मुंह खोला। काशान ने सारा की तरफ केक करके उसके मुंह में डाल दिया था। कामिल ने मुंह बनाकर काशान के पेट में पंच मारा। मैं बॉस हूँ, बॉस पर हाथ नहीं उठाते जाहिल आदमी। बाकी बचा केक उसने ज़बरदस्ती कामिल के मुंह में डालकर उसके कंधे पर पंच मारा था। तुम्हें मैं जितना शरीफ समझता था तुम उतने ही शादी के बाद बेहुदा इंसान निकले हो। शादी के बाद भी अगर शराफत से रहना है तो इंसान कवारा रह ले। कामिल ने कंधे उचकाए तो सारा सुर्ख चेहरा छुपाने लगी थी। काशान सर झटक कर रह गया। ग्रैंड माँ के गले लगकर उसकी आंखें भीगने लगी तो आज उन्होंने उसे मजीद शिद्दत से अपने साथ लगाकर हौसला दिया था। सब खुशगुपियों में मसरूफ है तो काशान की नज़र ज़ारा पर गई जो थकी थकी सी चेयर पर ही बैठी थी। काशान ने उसे देखा तो मुस्कुराने लगी। कुछ देर में सब सोने के लिए चले गए तो लाउंज में ज़ारा और काशान रह गए थे, रूम में नहीं जाना। काशान आंखों में जज्बात भरकर उसकी तरफ आने लगा तो उसका दिल उछल कर हलक में आया। नहीं, आज मैं यहीं सोने वाली हूँ, आप तो नाराज़ हैं ना, वो मुँह बनाकर बोली। तो तुम मना लो ना, वो उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खड़ा कर चुका था। ज़ारा दर्द बर्दाश्त करती लब भींच कर उसकी गर्दन में बाजू हायल करने लगी। उसने पाँव तक फ्रॉक पहना हुआ था। क्या हुआ, तुम ठीक हो? उसका सुर्ख चेहरा देखकर वो सीरियस हुआ। आप आ गए तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, वो उसका गाल छूकर बोली तो उसकी बेबाक नासुक जान हरकत पर
काशान का दिल शिद्दत से धड़कर रह गया। उसने जारा को बाहों में भरा था और कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जारा ने सीने पर सर रखकर आंखें बंद कर ली। वो उसे बेड पर बिठाया, उसके कदमों में बैठा तो जारा ने छिचक कर पांव समेट लिए। काशान ने सख्त नजरों से उसे घूरा और उसका फ्रॉक ऊपर किया। पांव की एड़ी पर पट्टी बंधी थी और कुछ खून की बूंदें थी जो पट्टी पर थी। काशान जख्म देखता चुप रहा तो जारा ने उसका चेहरा हाथों में भरकर ऊपर उठाया। आपके लिए केक रेडी कर रही थी, ग्लास टूट कर पांव में लग गया। अब प्लीज नाराज मत होना, ये मेरी कोई सितमगरी नहीं है। नहीं, तुम्हें मैं सितमगर इसी वजह से कहता हूँ। ग्लास लग गया था तो रेस्ट करती, मुझे फौरन फोन करती, लेकिन तुम्हें बस काम की बड़ी होगी। मैं तुम्हें वहाँ एक जगह खड़े देखकर ही समझ गया था तुम्हें कुछ हुआ है। मेरे इवल किंग की बर्थडे थी तो मैं कैसे ज़रा से जख्म पर बैठ जाती। मैं इवल किंग की क्वीन हूँ और किंग क्वीन को कभी तकलीफ में नहीं देख सकता। उसने नरमी से पाँव को छुआ तो ज़रा दम साध गई। वो बादशाहों जैसा शख्स उसका पाँव छू रहा था। ज़रा ने उसे फौरन थाम लिया था। काशान प्लीज़, वो नफ़ी में सर हिलाने लगी तो काशान उठकर उसके बराबर बैठा। इवल किंग को तुमसे बहुत मोहब्बत है, जब तुम सितमगरी ठाती हो तो इवल किंग का दिल तकलीफ़ महसूस करता है और फिर मेरा दिल करता है तुम्हें शिद्दतें दिखाकर सजा दूँ। उसके गाल को सहलाकर वो गंभीर सा बोला तो ज़ारा के माथे पर पसीना आने लगा। मैं चेंज कर लूँ, वो उठने लगी तो काशान ने उसे बाहों में भर लिया। मैंने अभी तुम्हारी तारीफ नहीं की तो तुम कैसे चेंज कर सकती हो। उसने अपने पास खींच कर गाल से गाल जोड़ा तो उसकी दाढ़ी की चुभन से उसके गाल सुर्ख होने लगे। वो मैंने आपको एक गिफ्ट देना था, वो जल्दी से बोली तो काशान मुस्कुराने लगा। अच्छा यहीं बैठ कर दो। काशान ने गिरफ्त मजबूत कर ली थी, उसने कामते हाथों से साइड टेबल का दराज खोला जहां एक बॉक्स में रिंग थी। काशान हैरान हुआ था, ये कब मंगवाया, ऑर्डर किया था क्योंकि मिस्टर इवल किंग मुझे अकेले तो कहीं जाने नहीं देते। वो मुंह बनाकर बोली तो काशान ने शिद्दत से उसका गाल चूम लिया। क्योंकि इवल किंग की पागल क्वीन बाहर जाकर उल्टे काम बहुत करती है, कभी जूस लेकर पी लेती है तो कभी बीच पर डूबने के लिए चली जाती है और कभी गोली खाने के लिए बाहर आ जाती है। ज़ारा ने मुंह बनाकर उसे देखा जो मुस्कुरा रहा था। जाए मैं आपको अब गिफ्ट नहीं दूंगी, वो गिफ्ट छुपाने लगी तो काशान ने उसका हाथ थामकर जल्दी से बॉक्स खोला तो अंदर एक ईगल वाली रिंग थी जिस पर बड़ा सा ऊपर गोल दायरे में के लिखा था और छल्ले पर ज़ारा लव काशान लिखा हुआ था। काशान उसकी च्वाइस पर हैरान हुआ और शिद्दत से उसका माथा चूमा। आपने कहा था ना मैं आपको प्रपोज करूं, तो ये ले मैं आपको प्रपोज करती हूं कि आप मेरे किंग बनेंगे। ज़ारा ने रिंग उसके सामने करके पूछा तो काशान ने सर जल्दी से हिलाया और उसके हाथ से रिंग पहनकर उसे सीने से लगाया। मैं शायद इतनी मोहब्बत के काबिल नहीं था लेकिन तुमने मुझे मोहब्बत के काबिल बना दिया। इवल किंग दुनिया के लिए होगा, तुम्हारे लिए मैं सिर्फ तुम्हारा काशान हूँ जिससे अपना नाम सिर्फ तुम्हारे मुँह से अच्छा लगता है। उसके लब अंगूठे से छूकर वो प्यार से बोला तो ज़ारा शर्माने लगी थी। कल मैं तुम्हें बीच पर सरप्राइज देना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। काशान शरारत से बोला था मुझे नहीं जाना उस गंदे बीच पर, हमेशा वहाँ आप मुझे डांट देते हैं। वो मुंह बनाकर बोली नहीं अब वहाँ जाकर प्यार करूँगा, चलोगी क्या। वो उसकी आंखों में देखकर गंभीर अंदाज में बोला था सोचूंगी, सोच कर बताऊंगी। ज़ारा ने गर्दन अकड़ाई, ऐसी की तैसी तुम्हारे सोचने की, मैं उठाकर ले जाऊंगा। उसके गाल से गाल रगड़कर वो गर्दन के गिर्द हाथ रखकर चिढ़कर बोला तो ज़ारा का कहकहा गूंजा था। खुशियों ने उनकी ज़िंदगी में दस्तक दे दी थी, इवल किंग की ज़िंदगी में अब कोई गम नहीं रहा था। अजिया बेगम का लेटर पढ़कर उसके हाथ कांपने लगे तो काशान ने ज़ारा को सीने से लगाया। उन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया था और ज़ारा के लिए ढेरों दुआएं लिखी थीं। सारा भी पास आकर ज़ारा के गले लग गई। अजिया बेगम सज़ा की हकदार थी जो उन्हें ज़रूर मिलनी थी। सो लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ दिस नॉवल। लिसनर्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नॉवल्स एंड एपिसोड्स। थैंक यू।